हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी के टाइम में सुनने में आ रहा है कि BS6 की गाड़ियां बहुत सारी लॉन्च हो रही है, उसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि BS4 की रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, बेसिकली यहां पर सोचने वाली ये बात है कि आखिर ये BS4 BS6 ये सब है क्या, और इसमें मीन्स इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि यार मीन्स BS4 की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बंद करवा दी जाती है, या फिर BS6 न्यू मार्केट में आ रहा है, सारे मीन्स कंपनियों के पास जैसे कि आपका हीरो, होंडा, TVS, इन सब के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि BS4 की गाड़ियां जितनी से जितनी जल्दी हो सके मार्केट में दे दी जाए, बेच दी जाए। तो दोस्तों, आखिर BS का फंडा है क्या, BS4 BS6, और इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है कि अगर आप ये इलीगल माना जाता है, अगर आप BS4 की गाड़ी बाद में लॉन्च, अगर इसके रजिस्ट्रेशन डेट के बाद अगर रजिस्ट्रेशन बंद होगी, उसके बावजूद भी आप कुछ भी जुगाड़ करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा दे, तो दोस्तों ये एक इलीगल चीज़ माना जाता है। आखिर ऐसा क्या है यार इस BS में, तो दोस्तों इस BS का फंडा है क्या, BS3 BS4 BS6 ये हमेशा अपग्रेड क्यों होते रहते हैं दोस्तों, कभी साल भर में तो कभी 2 साल भर में, यही सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, मैं आप सब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यार इसे BS6 नहीं बोला जाता दोस्तों, ये जो BS4 BS6 है यहाँ पर इसे BS ही नहीं है, ये BSES है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, BSES, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड दोस्तों, ये एक पूरा एक टर्म हो रहा है BSES, लेकिन इसे लोग सिर्फ BS बोलते हैं। और ये जो BS3 BS4 BS6 ये एक तरह से लेवल होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक मीन्स आपका जैसे ही इंजन अपग्रेड कर रहा है तो उसका ये एक यूनिट दिया जा रहा है, एक जैसे लेवल, जैसे मूवीज़ में होता है कि इस मूवी का पार्ट 1 में 1 लगा दिया जा रहा है, 2 लगा दिया जा रहा है, ऐसे इन सब के जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होता जा रहा है तो यहाँ पर इसका मीन्स वो आपका लेवल दिखाया जा रहा है कि लेवल 1 2 3 4, या फिर आप बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है भारत स्टेज, उसी के साथ साथ ये इसका 1 2 3 4 ऐसे से बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये BSES है क्या दोस्तों, ये एक गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो कि निगरानी रखता है गाड़ी के जो इमिशन है, जो आपका इमिशन निकल रहा है इंजन से उसके ऊपर, और उस पर काम किया जाता है। यहाँ पर इनका मेन जो एम रहता है वो ये है कि गाड़ी का जो इंजन का पोल्यूशन है वो जितना हो सके उतना ज़्यादा कम किया जाए, ताकि इसके लिए दोस्तों रेगुलरली इसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि आप BS6 में अभी के टाइम में सबसे जो बड़ा अपडेट देखने में आया वो ये है कि कैटलेटिक कन्वर्टर लगा दिए गए हैं, उसी के साथ साथ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी लगा दिया गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा दिया गया। तो दोस्तों इसके लिए इसका यूज़ क्या आ रहा है दोस्तों, इसका यूज़ यही आ रहा है कि इन सारी चीज़ों से आपका पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, आपका कैटलेटिक कन्वर्टर से जो आपका फ्यूल निकलता है मीन्स जो धुआं निकल रहा है गाड़ी से उसको थोड़ा सा प्योरीफाई किया जा रहा है, उसमें से ट्राई किया जा रहा है कि जितना जो यूज़फुल फ्यूल है उसे सेव किया जा सके, जो धुआं निकले वो सिर्फ और सिर्फ स्मोक हो जो कि डायरेक्टली निकल जाए, उसमें कुछ ऐसे फ्यूल ना जाए ताकि फ्यूल वेस्टेज ना हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों यही था मेनली बेसिक BSES का फंडा, कि आपको यहाँ पर कंपनियाँ जो है मीन से जो पूरा एक संस्था है इसके ऊपर काम कर रहा है कि ताकि गाड़ी पोल्यूशन कम करे, वही दोस्तों है BSES, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये बेसिकली आप समझ ही गए कि ये एक गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो कि इसके ऊपर काम करता है, और दोस्तों यहाँ पर यही रीज़न है कि इसका डिसीजन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि अगर ये कोई अपना भारत स्टेज को अपग्रेड करके निकालता है तो दोस्तों अब इसका जो पुराना वर्जन है उसे अब मिस आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई देखो अगर वो पुराना चीज़ भी कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है जो बुराइयाँ हैं वो भी कंटिन्यू होगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ नया चीज़ निकालने का। इसीलिए गवर्नमेंट पुराने वाले को बंद कर देती है, बैन कर देती है कि अभी और आगे नहीं चलेगा। हालांकि जो गाड़ियां रजिस्ट्रेशन हो गई है उनका तो कुछ नहीं, लेकिन आगे से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो दोस्तों बेसिकली BS, आपका BS4 बोलिए, BS6 बोलिए, ये यही चीज़ है। और दोस्तों आपको आने वाले टाइम में भी BS7 8 या फिर ऐसे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यार देखिए डेवलपमेंट रुकता नहीं है, डेवलपमेंट होते रहता है, तो बेसिकली ये भी एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड। चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।